अपोजिशन लीडर जो है सिंध असम्बली में अली मादिल शेख को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, तो क्या ये वो कह रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम है? नहीं, उसको तो बहुत पहले गिरफ्तार करना चाहिए चाहिए था। ये तो पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है कि उसको नहीं किया। वो जिस तरीके से लैंड ग्रैबिंग इंक्रोचमेंट में जिस तरीके से इन्वॉल्व है, वो तो केसेस उसमें बहुत पहले थे। एंटी करप्शन में भी उसके खिलाफ केसेस चल रहे थे, और जिस तरह की वो ज़बान यूज़ करता है, ये सियासी लोग इस तरह की ज़बान नहीं यूज़ करते हैं जो ये करता है। अब देख लेना इस पीटीआई की उस ज़हनियत को, ऐसे बंदे को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जिसके जिसकी कोई सोच नहीं है। यही पीटीआई है ना, जो गाली गलोच, जिसके पास ना रिस्पेक्ट हो ना जिसको सियासी आदाब का पता हो, तो ये वही लोग हैं। ये सड़क साफ लोग आ गए हैं, तो उस तरह की ज़बान ये यूज़ करते हैं। देखें जी, पहले तो हम इंतज़ार कर रहे हैं जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या फैसला आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो गुंजाइश ही नहीं है कि ओपन वोटिंग हो, क्योंकि उसका तरीक़ेकार सेनेट के वोट का इतना डिफरेंट है, क्योंकि आप नंबर वन देते हैं, फिर नंबर टू की प्रेफरेंस देते हैं, फिर नंबर थ्री देते हैं, नंबर फोर देते हैं। तो मुझे नहीं पता है कि अगर ओपन वोटिंग होगी तो ये क्या हाथ उठा के नंबर वन टू थ्री फोर किस तरह करेंगे, मुझे नहीं पता। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल ये है कि प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा बाकी जितने भी इंतखाबात हों, बेशक वो सदर का इंतखाबात हो और चेयरमैन सेनेट का हो, स्पीकर का हो, सब सीक्रेट बैलेट से होते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस पढ़ा है, देखते हैं वहाँ से क्या फैसला होता है। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि सरप्राइज देंगे, चीफ मिनिस्टर खुद मॉनिटर कर रहे हैं सेनेट को, खुद देख रहे हैं, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह महारत भी है कि पॉइंट्स किस तरह वर्क किया जाता है। वो से मिनिस्टर फिनांस भी रहे हैं, तो उनको कैलकुलेशन का हम लोगों से ज़्यादा पता है, तो ये उनकी कैलकुलेशन है, देखेंगे क्या रिजल्ट। ये बड़ी मैंडेट से कामयाबी मिली है। आप देख लें कि जो लोग ये बातें करते हैं कि पीपल्स पार्टी काम नहीं करती और पीपल्स पार्टी का कोई मैंडेट नहीं है, तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा आवाम की बात करती है, आवाम के पास जाती है जब भी ज़रूरत होती है। पीपल्स पार्टी को किसी चीज़ की वो किसी अदालत पे यकीन नहीं रखती है, अवामी अदालत पे रखती है। हमें जब भी तकलीफ़ होती है, कुछ होता है, आवाम के पास चले जाते हैं, और आप देखते हैं आवाम किस तरह हमें रिस्पॉन्स करती है। तो जो लोग कहते हैं पीपल्स पार्टी ने करप्शन की है, पीपल्स पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं किया, तो उसको उनको मुँह की खानी पड़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी हुई है, और उसके लिए हम अपनी क़यादत को, अपने वर्कर्स को, अपने जियानों को, सबको मुबारकबाद देते हैं कि इंशाल्लाह जिस तरह ये ट्रेंड चल रहा है, आप देखेंगे नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से इंशाल्लाह स्वीप करेगी।